स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल रोशन बंद में। और दोस्तों रोज की रेसिपी फिश कड़ी, चिकन कड़ी, मटन कड़ी से हटके आज मन किया दोस्तों कुछ अलग सा खाने के लिए। तो आज दोस्तों मैं बना रहा हूँ आज चिकन बिरयानी, जो आज पहली बार मैं बना रहा हूँ और दोस्तों काफ़ी पसंद आएगी आपको। काफ़ी ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और स्किप ना करें दोस्तों। आपको तभी पता चलेगा कि कैसे आप बना सकते हैं घर पे बेहतरीन बिरयानी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। तो सबसे पहले करेंगे हम चिकन को मैरिनेट और इसमें डालेंगे थोड़ा दही। अब डालेंगे दोस्तों इसमें एक नींबू, छोटा गाजी नींबू, अच्छे से निचोड़ देंगे इसे। तो दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं पुदीना। आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको डालेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा बेहतरीन होगा। और साथ में डालेंगे इसमें चिकन मसाला। चिकन मसाले में हम इसे मैरिनेट करेंगे बढ़िया से और डाल। तो मैरिनेशन में आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है कलर इसका। और अब डालते हैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और इसे कर लेते हैं अच्छे से मसाले को मिक्स। कलर काफ़ी बेहतरीन आ रहा है अभी मैरिनेशन में ही। अब दोस्तों इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने चिकन मैरिनेट कर लिया है, मिक्स हो चुके हैं मसाले। अब इसे करते हैं दोस्तों रैप करते हैं इसको पॉली से और इसके बाद इसको रैप करके इस तरीके से करते हैं फ्रिज 2 से 3 घंटे के लिए। हम यूज़ कर रहे हैं बासमती चावल बिरयानी के लिए। तो इसे धो के अच्छे से निकाल के उसके बाद हम इसे रख देंगे, भिगा के छोड़ देंगे। तो दोस्तों चावल हमने भिगने के लिए छोड़ दिए। अब करते हैं चिकन का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे बटर और बटर को अच्छे से पूरे पैन में मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिस गर्म हो जाए इस तरीके से फैला लेते हैं इसको थोड़ा और गलने देते हैं। तो दोस्तों कढ़ाई गर्म हो चुकी है, बटर गर्म हो चुका है। अब डालते हैं इसमें खड़े मसाले, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा और इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो दोस्तों सारे खड़े मसाले में डाल दिए इसमें और हमारा प्याज भी चॉप हो चुका है। तो दोस्तों खड़े मसाले हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब डालते हैं प्याज और इसे अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। तो दोस्तों आपको गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन होने तक आपको प्याज को फ्राई करना है अच्छे से। और साथ ही हम कर लेते हैं टमाटर को चॉप, थोड़ा सा प्याज को चला लेते हैं, तला नहीं लगना देना है हमने। और इसे अच्छे से चला लेते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करते हैं। तब तक बाकी टमाटर भी हम चॉप कर लेते हैं अच्छे से। स्लो मीडियम फ्लेम पे हमारा प्याज हो रहा है फ्राई और इसे हमें डार्क ब्राउन होने तक आपको इसे फ्राई करना है अच्छे से, डीपली फ्राई करना है आप इसे। तो दोस्तों छोटी इलायची 3 से 4 को हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ये हमारा बिरयानी में यूज़ होगा। प्याज भुनने लगा है, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। अब डालते हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और दोस्तों अब डालते हैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर और इसे अच्छे से करना है फ्राई, पूरा टमाटर को गलने तक आपको फ्राई करना है अच्छे से। तो दोस्तों थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें जिससे प्याज और टमाटर थोड़ा जल्दी गलें और इसे अच्छे से चला लेते हैं एक बार और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों लो मीडियम फ्लेम पे हमारे प्याज और टमाटर पक रहे हैं, तब तक हम करते हैं हरी मिर्च को चॉप। और डालते हैं इसमें दोस्तों बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो
और इसमें डालते हैं चिकन मसाला छः क्वान्टिटी में, क्योंकि हमें चिकन मसाले का फ्लेवर चाहिए इस बिरयानी में। तो मसाला डालने के बाद इसे हल्के अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें हम पानी डालते हैं जिससे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और तला नहीं लगेगा, और थोड़ा सा क्वांटिटी और बढ़ाते हैं मसालों की, चिकन मसाले की, और इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। अच्छे से हिला के पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी डालने के बाद दोस्तों मसाले अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और अच्छे से पकेंगे। तो दोस्तों इलायची भी हमने कूट ली है, अब इसे डालते हैं भिगाए हुए इस चावल में, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और साथ में डालते हैं इसमें दोस्तों तेज पत्ता। और डालेंगे इसमें जावित्री, तीन से चार लौंग क्लोव्स, तीन से चार इसमें डालते हैं साबुत काली मिर्च। और दोस्तों एक बार मिक्स कर लेते हैं एक बार मसाले को। मसाला हमारा अच्छा पकने लगा है, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। तो दोस्तों बिरयानी का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पुदीना, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा थोड़ा मसाले हम दोबारा डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इसे करते हैं अच्छे से मिक्स और अच्छे से पका लेते हैं थोड़ा। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, मसाले हमारे पक चुके हैं। तो दोस्तों बारी आती है अब मैरिनेटेड चिकन इसमें डालने की। तो अनरैप करते हैं मैरिनेटेड चिकन हमारा, काफ़ी अच्छा मैरिनेट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से फ्रीज हो चुका है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, काफ़ी अच्छा कलर आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है, मसाले अच्छे से इसमें लग चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से। अब बारी आती है दोस्तों इसको कढ़ाई में डालने की मिक्सचर के साथ। तो डाल दिया हमने पूरा बाउल चिकन का, अच्छे से इसको डाल के मिक्स करना है हमें। दोस्तों गैस करिए हमने लो मीडियम फ्लेम पर, और अच्छे से चिकन को मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा फ्राई करेंगे हम चिकन को, अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तब तक हम कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स अपने चॉप। सबसे पहले हम करेंगे काजू को चॉप, 8 से 10 काजू लिए हैं हमने। और अब करते हैं बादाम को चॉप, 8 से 10 बादाम लिए हैं। और साथ में हमने लिए हैं किशमिश। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, और चिकन हमारा लो मीडियम फ्लेम पर पक रहा है। दोस्तों इसमें डालते हैं थोड़ा पानी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं एक बार, चिकन हमने पूरा अच्छे से पकाना है इसमें। तो थोड़ा सा पानी ऐड ऑन किया, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और इसे छोड़ देंगे दोस्तों पकने के लिए। तो दोस्तों जब तक बिरयानी में हमने रोस्टेड और चुगला और डार्क ब्राउन प्याज फ्राइड डाला ना तो उसका टेस्ट नहीं आता, तो कर लेते हैं उसके लिए हम प्याज को अच्छे से चॉप लंबे लंबे। दोस्तों ये प्याज हमारा पड़ेगा बिरयानी के ऊपर, जो आप देखते होंगे बिल्कुल डार्क ब्राउन जो प्याज होता है वो यही होता है। और चिकन हमारा अच्छे से पक रहा है, और तब तक कर लेते हैं हम प्याज को रोस्ट, जो कि हमारा बिरयानी में जाएगा। अच्छे से डीपली हमें ब्राउन इसको होने देने तक फ्राई करना है, बिल्कुल इसका कलर चेंज करना है फ्राई का। तो छोटा सा पैन हमने यूज़ किया है, इसमें डाला हमने तेल और डाल दिया साथ में लंबे कटे हुए प्याज, और इसे कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है इसका। दूसरी गैस पे हमने रख दिया चावल पकाने, इसमें हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल और साथ में थोड़ा सा नमक डाला है, और इसे 70% हमें पकाना है चावल को, और 70% के बाद पकाने के बाद 30% हम पकाएंगे इसको बिरयानी के साथ दम देके। दोस्तों प्याज हमारा भी रेडी है, और चावल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तला लगने नहीं देना है दोस्तों। तो गैस हमने लो मीडियम फ्लेम पर रखी है, बासमती चावल हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों चावल की भी, प्लस इसमें जो हमने डाले हैं ड्राई खड़े मसाले, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा चावल बन चुका है 70%। अब दोस्तों इसको छन्नी से छान लेते हैं और चावल को पानी से अलग कर लेते हैं, इस तरीके से छन्नी यूज़ करके हमने चावल अलग कर दिए हैं।
तो दोस्तों चिकन हमारा बन चुका है, चावल हमारे रेडी हैं। दोस्तों अब इसको दम देंगे हम हांडी में, और सबसे पहले हांडी को गर्म करके हम इसमें अप्लाई करेंगे बटर। बटर गर्म हो जाए तो दोस्तों हम करेंगे लेयरिंग चिकन और राइस की। स्टार्ट करते हैं लेयरिंग की। तो दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चावल, और पहली लेयर है दोस्तों चावल की, इसे नीचे से डालेंगे बटर के ऊपर और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। लेयर हम लगा चुके हैं, अब डालना है दोस्तों इसमें बना हुआ चिकन। अच्छे से पीस को डाल देंगे, थोड़ा सा मिंट और धनिया यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए। अब डालते हैं इसमें दोस्तों चिकन हमारा जो हमने पकाया है, ये दूसरी लेयर है दोस्तों बिरयानी की। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चावल के ऊपर। तो दोस्तों दो लेयर हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब बारी आती है तीसरी लेयर की। दोस्तों तीसरी लेयर हम इसमें लगाएंगे राइस की, अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। सारे तेज पत्ते इलायची वगैरह सब इसमें हम यूज़ करेंगे ऐसी, और अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब बारी आती है दोस्तों फोर्थ लेयर, दोबारा बचा हुआ चिकन इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो दोस्तों चिकन हमने डाल दिया इसमें अच्छे से पूरा। अब दोस्तों फिफ्थ लेयर इसमें आएगी राइस की, और चिकन हमारा पूरा हमने इसमें यूज़ कर लिया है, और राइस भी हमने ऑल पूरा इसमें यूज़ कर दिया। फिफ्थ लेयर हमने राइस की लगाई थी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सेट कर लेंगे। और अब दोस्तों इसमें डालते हैं कटे हुए काजू, साथ में कटे हुए बादाम। ये दोस्तों हम फिनिशिंग कर रहे हैं इसकी, तो काजू बादाम हमने यूज़ किया। अब डालते हैं इसमें दोस्तों किशमिश, 10 से 12 किशमिश बादाम और काजू का यूज़ कर रहे हैं। किशमिश को भी हम फैला लेते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। और दोस्तों अब इसमें डालेंगे हम जो हमने प्याज हमने डीपली ब्राउन फ्राई किया था, वो प्याज की लेवर ऊपर से लगा देते हैं इसमें, इसी से दोस्तों काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अच्छे से इसको फैला लेते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। अब दोस्तों इसमें हम डालते हैं कटा हुआ धनिया। तो धनिया भी हमने डाल दिया इसमें अच्छे से, काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर लिया धनिया काफ़ी। अब देख सकते हैं काफ़ी हमारी हांडी पूरी पैक हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें फ्लेवर के डाल लिया हमने, थोड़ा सा पुदीना भी हमने यूज़ किया है साथ में, और इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट रेडी है दम के लिए हांडी। तो दोस्तों इसे दम देने के लिए हमने ली है आटे की लोई, इस तरीके से इसको लगाएंगे जिससे दम देने टाइम इसका जो भाप होगा वो बाहर ना निकले। तो इसे इस लोई को हम चारों तरफ से लगा लेते हैं इसमें, साथ में इसी लोई के ऊपर हमें प्लेट फिक्स करनी है इस तरीके से चिपका के, जिससे कि इसका भाप बाहर नहीं निकलेगा और चावल हमारे 30% कुक अच्छे से हो जाएंगे, चिकन भी थोड़ा कुक हो जाएगा और हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। लो मीडियम फ्लेम में हम इसे छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और करते हैं इसे सर्व। तो सबसे पहले आटे की लोई को हमें निकालना देखा, आप देख सकते हैं आटे की लोई भी बिल्कुल चिपक चुकी है अच्छे से। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर है, ऑलमोस्ट सब चीज़ पक चुका है, पुदीना भी पक चुका है, धनिया भी पक चुका है, बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है। तो दोस्तों हमारी चिकन बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं अब इसे सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा कलर है, आपको बिना कलर के हमने बनाई है बिरयानी। वाइट राइस भी मिलेंगे आपको, येलो भी मिलेंगे चिकन, साथ में ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पाइसी और काफ़ी टेस्टी लग रहा है, काफ़ी अच्छा कलर है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को घर पर बनाने की। थैंक यू।